हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है लाइट या प्रकाश, कक्षा 8 का, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आँखों के बारे में, यानी आई के बारे में। तो बच्चों, एज वी ऑल नो, आई इज़ वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट गिव अस द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड बेसिकली इट एक्ट एज अ कैमरा फॉर आवर बॉडी। यानी आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है, जो संसार में हमें देखने में स्वतंत्रता प्रदान देती है और क्या करती है, हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। अब एक इसमें मेन बात क्या है कि हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकरा करके और उससे हमारी आँखों में आती है, तब हम रोशनी का प्रवेश होने के बाद ही किसी चीज़ को देख पाते हैं। यानी वी कैन ओनली सी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज गॉट इंसर्टेड इन आवर आई। यानी जो रिफ्लेक्ट होकर के रे आ रही है लाइट की, हमारी आँखों में प्रवेश कर जाती है, तभी हम अपनी आँख को देख पाते हैं। अब जरा हम बेसिक वे में आँखों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल सरफेस या शेप बेसिकली बच्चों। इस क्या है, इसकी आकृति कैसी बच्चों, गोलाकार है। फिर क्या कह सकते हैं बच्चों कि द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इट इज टफ एंड कॉल्ड स्क्लेरिया। आँख का बाहरी कोट या परत सफ़ेद है, जिसे स्क्लेरिया कहते हैं बच्चों। अगला क्या है बच्चों, आँखों के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। अगला क्या कहते हैं बच्चों, ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड आयरिस। द डिस्टिंग्विश कलर ऑफ द आई इज जस्ट ड्यू टू द आयरिस, इट मे बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन इन कलर। यानी कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना है, जिसे हम परितारिका या आयरिस कहते हैं। आँखों के विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, आयरिस के कारण होता है, और इससे हमारी आंखों का कलर कैसा हो सकता है बच्चों, काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है। आगे क्या कहता है बच्चों, परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है और कम प्रकाश में बढ़ जाता है। पुतले के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। यानी इन द आयरिस देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, द साइज ऑफ प्यूपिल रिड्यूसेस इन केस ऑफ इंटेंस लाइट एंड गॉट एनलार्ज्ड इन केस ऑफ डिम लाइट, एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाई द आयरिस। दस आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू आवर लाइट। फिर क्या है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेना। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज आई लेंस, इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। यानी आँखों की पुतली के पीछे लेंस होता है और ये आकार में उत्तल होता है। फिर अगला क्या कहता है बच्चों, द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यानी लेंस आँखों के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन या परत पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अब रेटिना दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है बच्चों। एक होता है शलिकाएं और दूसरा होता है शंकु। शलिकाएं कैसी होती है, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंकु कैसी होती है बच्चों, ये तीव्र प्रकाश के और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। यानी रेटिना वॉज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, वन वॉज रॉड, अनदर वॉज कॉन्स। Rods are sensitive to dim light, whereas cones are sensitive to bright light and color. फिर आती है बात बच्चों ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द सेंसेशन या इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। देर इज नो सेंसरी सेल सिंस नो विजन इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड हेंस ब्लाइंड स्पॉट। यानी ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं
ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु भी कहा जाता है। अब बच्चों कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपकी आई के बारे में, यानी नेत्र के बारे में कुछ रोचक फैक्ट है। जैसे अपनी आँखों को खोलकर छींकना कतई संभव नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहता है बच्चों, फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और आयरिस में 256, यानी वाइल ए फिंगरप्रिंट हैज 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड आयरिस हैज 256। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, मानव नेत्र एक मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार झपकती है, यानी ये क्या कह रहा है, द ह्यूमन आई ब्लिंक 17 टाइम्स पर मिनट और एन एवरेज ऑफ कितना, 5 मिलियन टाइम्स, ठीक है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, विटामिन ए एंड सी जो है उसका मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने के लिए काम करता है, यानी ऑयली फिश विटामिन ए एंड सी आर हेल्प टू प्रिजर्व गुड आई साइट। फिर क्या कहता है बच्चों, 6x6 विजन मीन्स दैट ए व्यूअर इज एबल टू रीड नॉर्मली एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी 6x6 आइज का क्या मतलब है कि एक आदमी 6 मीटर दूरी पर किसी चीज़ को पढ़ने में सक्षम है। फिर और क्या है बच्चों, द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स, यानी एक ह्यूमन आई कितने 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो बच्चों आज हमने आई के बारे में पढ़ा और आपकी इस वर्कशीट में यही तक था, ये वो वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट बच्चों, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।